तो क्या हाल चाल है दोस्तों, क्या आप भी WhatsApp चैनल को डिलीट करना चाहते हो परमानेंटली? तो आज की इस वीडियो को बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से WhatsApp चैनल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर अपडेट्स वाले सेक्शन में आ जाना है। अपडेट्स वाले सेक्शन में आने के बाद में जिस चैनल को भी आप डिलीट करना चाहते हो उस चैनल पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर मेरा एक ही चैनल है तो यहाँ पर मैं इसी वाले चैनल पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में आप सभी को ऊपर की तरफ में आपके चैनल का नाम लिखा मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो ऊपर की तरफ में लिखा हुआ टैगी हरीश पाल। तो आपके चैनल का भी कुछ इस प्रकार से नाम ऊपर की तरफ में लिखा आ रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा और आपको यहाँ पर नीचे की तरफ में डिलीट चैनल का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर डिलीट चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है चैनल विल बी डिलीट परमानेंटली और सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है फॉलोअर्स कैन सी पास्ट एक्टिविटी। तो हमारा चैनल रहेगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, साथ में यहाँ पर जो हमारी पास्ट एक्टिविटी हैं वो हमारे फॉलोअर्स को शो होती रहेंगी। तो आपको यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपने व्हाट्सएप नंबर को टाइप कर देना होगा जिस नंबर से भी आपने व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर टाइप कर दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ चुका है चैनल डिलीटेड। तो आप इस प्रकार से व्हाट्सएप चैनल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ यही था। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर से आना। थैंक यू।